नमस्ते दोस्तों वो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे आज हम बनाएंगे श्री कृष्ण की एक बढ़िया सी मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग उसके लिए मैंने लिया है ए थ्री साइज़ का ये पेपर जो कि थिक पेपर है 300 हंड्रेड का ये पेपर है स्केचिंग के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ रोटरिंग आइसोग्राफ पेन बट आप कोई भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं दो साइज मैंने रखा है वन एम mm और पॉइंट फाइव Uh, मैंने कलर्स uh, के लिए एक्रेलिक पेंट और राउंड ब्रश का इस्तेमाल किया है तो हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हर बार की तरह हम फ्रेम तैयार करेंगे जो चारों तरफ हम सबसे पहले बॉर्डर के लिए इस, इस्तेमाल करते हैं इस बार का बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो बहुत यूनिक है कभी मेरे चैनल पे मैंने नहीं बनाया तो इसको ध्यान से देखिएगा तो जो मैं बना रही हूँ वो एक आ, दो सेंटीमीटर का बीच वाला बॉर्डर है और दोनों साइड पॉइंट सेंटीमीटर का मैंने बॉर्डर छोड़ा है तो ये बेसिकली तीन बॉर्डर का कॉम्बिनेशन है ऊपर वाला 0.5 सेंटीमीटर बीच का जो है चौड़ा वाला बॉर्डर वो 2 सेंटीमीटर और उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर डबल लाइंस करना नहीं भूलना है हमेशा डबल लाइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मिथिला आर्ट के लिए या मधुबनी पेंटिंग के लिए तो डबल लाइंस करने के बाद इस तरह से हमारा चारों तरफ से बढ़िया सा बॉर्डर का फ्रेम तैयार हो जाता है इस तरह से दिखने वाला है आपको ये लास्ट की भी मैं डबल लाइन्स से कर रही हूँ इसको ख़त्म तो ये हो गया हमारा आ, तीन बॉर्डर का कॉम्बिनेशन तो जैसा मैंने लास्ट टाइम भी सरस्वती माँ की जो हमने पेंटिंग बनाई थी तो वो जो थोड़ा एडवांस लेवल था ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल है बट बिगिनर्स भी इसको कर सकते हैं इसमें घबराने की कोई बात नहीं एडवांस ले, लेवल का मतलब सिर्फ ये है कि थोड़े और इंट्रिकट पैटर्न्स बनाएंगे थोड़ी और इंट्रिकसी बढ़ जाएगी इस पेंटिंग में तो हम थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ मैं ताकि ये छोटे छोटे पैटर्न्स आपको अच्छे से दिख सकें तो इस तरह से जो ये पतले वाले जो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के हमने जो बॉर्डर्स हैं उसमें यही वाला करना है हमेशा कॉर्नर से शुरू करना है आपको बॉर्डर ताकि आपके एग्जैक्ट आए ना कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट से पूरा बॉर्डर परफेक्ट सा आएगा चारों तरफ तो इस तरह से आपको सिंपल सा ये बॉर्डर डिज़ाइन है जो इन दोनों पतले पतले बॉर्डर्स में बनाने हैं उसके बाद ये जो बीच का है उसके लिए सबसे पहले हमें पेंसिल से एक लाइन खींचनी है बीचों बीच, बीच क्योंकि हमें सेंटर पता करना है बीच में हमें कुछ बनाना है तो इसलिए चारों तरफ से सबसे पहले मैं पेंसिल से लाइन बना लूँगी वन सेंटीमीटर जहाँ पर हो रहा है उसके बीच में मैं थोड़ा सा आपको और दिखा रही हूँ वापस से कि आप एंड कैसे करेंगे दूसरे बॉर्डर के कॉर्नर पर तो जैसे ही आपका वो जो इस तरह से डिजाइन बनता जाएगा एंड करना है आपको बॉर्डर पे इसी तरह से जो बीच का बॉर्डर है उसके लिए सबसे पहले मैंने सर्किल सर्कल बनाया है हर तीन सेंटीमीटर पे आप चाहें तो चार सेंटीमीटर जैसा आपको डिज़ाइन जिस तरह से बड़ा चाहिए छोटा चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं तो फोर सेंटीमीटर आइडियल होगा अगर आप छोड़ेंगे डिज़ाइन के बीचों बीच और उसके बाद हमें ऐसे से लाइन खींचनी है डबल लाइन दोनों सर्कल को मिलाने के लिए डबल लाइन और एक और बात का आपको ध्यान रखना है जैसे कि अगर फोर सेंटीमीटर पे आपने गैप पे वो दोनों सर्कल पे बनाया ना तो याद रखना है कि पूरा एंड टू एंड मीट होना चाहिए मतलब कि वो सर्कल एग्जैक्ट ले आना चाहिए तो थोड़ा मेजर करके की, कीजिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप डिवाइड कर लीजिए इक्वल पार्ट्स में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिज़ाइन को एग्जैक्ट और सुंदर बनाने में तो डबल लाइंस करने के बाद ऊपर नीचे भी हमें डबल लाइंस करने हैं वो सर्कल के तो जैसा आप देख सकते हैं मतलब चारों तरफ डबल लाइंस आएंगे अप डाउन और दोनों साइड में तो इस तरह से डबल लाइंस आएंगे और डबल लाइंस का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मिथिला पेंटिंग में डबल लाइंस जो होता है एक तरह से शिवा और शक्ति का प्रतीक होता है जो हमेशा साथ साथ चलते हैं इसीलिए डबल लाइंस से बनाया जाता है पर उसका एक टेक्निकल सिग्निफिकेंस या आप कह सकते हैं टेक्निकल इम्पॉर्टेंस क्या है वो है कि वो एक दूसरे को सेपरेट करता है ना कलर्स को पैटर्न्स को एक दूसरे से तो उससे मदद मिल जाती है और आपका डिज़ाइन बहुत हाईलाइट हो जाता है जो हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे ही पेंटिंग खत्म होगा तो आपको और पता चलेगा डबल लाइन्स का इम्पॉर्टेंस रियल क्या है मतलब आपको कैसे दिखता है वो और कितना सुंदर लगता है वो डबल लाइन से और डबल लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मधुबनी पेंटिंग का तो याद रखना है उसको तो यहाँ पर हमने सर्कल के चारों तरफ ऐसे क्रॉस बनाया और कुछ नहीं कर्व से ज्वाइन करके फूल का पैटर्न बना दिया तो वो जो बीच बीच में हमने सर्किल हर थोड़ी देर में छोड़ा था उसमें हम आ, ऐसे फूल का पैटर्न बना रहे हैं और उसके बाद जो हमने बीच का जो डबल लाइन किया था उसके दोनों तरफ हमें लीफ का पैटर्न बनाना है इसमें भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप चार लीफ बना रहे हो तो सारे में चार होना चाहिए बराबर और इक्वल जो आना जो प्रोपोर्शन है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आपका डिजाइन उतना सुंदर नहीं दिखेगा इसलिए आप आराम से करो चाहे तो पेंसिल से पहले कर लो उसके ऊपर पेन से फिराओ Uh, मैं तो डायरेक्टली पेन से कर रही हूँ पर आप चाहे तो पहले पेंसिल पेंसिल से कर लो और फिर पेन से करना और पेन जैसा मैंने कहा आप कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हो ब्लैक पेन वाटर होना चाहिए क्योंकि बाद में हम उसमें रंग भरेंगे तो uh, स्मज नहीं होना चाहिए बस इसका ध्यान रखना सबसे पहले हम कृष्णा या किसी भी मिथिला आर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले फ़ेस से शुरू करते हैं और फेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है शार्प नोज होगी और आईज बड़े होंगे तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मिथिला पेंटिंग के फेस में तो मैंने थोड़ा सा ज़ूम आउट किया है ताकि आपको पूरा दिख सके कि एग्जैक्टली exactly कहाँ पे स्टार्ट करना है हम धीर धीरे धीरे जूम इन भी करेंगे उसको और भी बारीकी से देखेंगे कान के बाद मैंने सबसे पहले कानों में एक ऐसा डिज़ाइन दे दिया है जैसे बाली जैसा आप चाहें तो उसको और प्यारे से डिज़ाइन बना सकते हैं क्योंकि ये कृष्ण जी हैं तो इनको हम पूरी तरह से डेकोरेट करते हैं ना मुकुट आएगा आ, मतलब बहुत सारे जैसे बाजू में डिज़ाइन बनाएंगे तो हम बहुत सारा डेकोरेशन करेंगे तो इस तरह से डिजाइन आप बना सकते हैं तो डिज़ाइन के लिए सिंपल सर्किल में और चारों तरफ से फूल का पैटर्न दे दिया या फिर आप दो सर्कल भी दे सकते हैं इस तरह से अलग 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 तरह के ज्वेलरी के डिजाइन होते हैं जो आप दे सकते हैं चूंकि ये कृष्ण की पेंटिंग है इसलिए हम और ज्यादा उसको बारीकी से और ज्यादा डिज़ाइन बनाएंगे ऊपर मैंने मुकुट का डिज़ाइन दिया है उसको भी डबल लाइन किया है और उसके चारों तरफ से भी मैं छोटे छोटे ऐसे कर्व जैसे सेमी सर्कल्स जैसे पैटर्न कर रही हूँ ये पैटर्न भी बहुत कॉमन है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा उसके बाद हम नेक पे आएंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोई भी नेक जो है ना उसको हम खाली नहीं छोड़ते मित्र पेंटिंग में थोड़े डिज़ाइन्स बनाते हैं पहले और जिस डिज़ाइन्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है ऐसे लाइन्स वाले डिज़ाइन बनाकर ज़्यादातर अधिकतर बॉर्डर डिज़ाइन देना तो सबसे पहला जो लाइन बनाकर मैंने दिया उसमें छोटे छोटे सर्कल्स डाले उसके बाद मैं वापस और कुछ लाइन्स करूंगी पहले मैं हाथ बना रही हूँ ताकि मुझे एक्जैक्टली exactly पता चल जाए कि कहाँ पे मुझे डिज़ाइन देना है तो ये मैं कृष्णा को फ्लूट बजाते हुए दिखा रही हूँ इस पेंटिंग में जो कि बहुत काफ़ी कॉमन है और हम आगे और भी एडवांस लेवल के पेंटिंग्स देखेंगे और भी ज़्यादा इंट्रिकेट पेंटिंग्स देखेंगे धीरे धीरे और कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि कैनवस पे बनाऊँ मैं पेंटिंग्स तो मैं कैनवस पे भी करूँगी नेक्स्ट मंथ से हम और भी ज्यादा थोड़ा सा और कैनवस पे करेंगे तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा बट आप चाहें तो उसी पेंटिंग को पेपर पे भी बना सकते हैं तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं बट हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे क्योंकि बिगनर्स लेवल के हमने बहुत सारे पेंटिंग्स देख लिए हैं तो अब हम थोड़े से एडवांस जाएंगे थोड़ी और सुंदरता बढ़ाएंगे पेंटिंग की थोड़ा सा और इंट्रिकेट करेंगे उस पेंटिंग को जैसे मैंने कहा था पहले भी देखो वापस से मैंने गर्दन पे जो नेक के पास जो है वो थोड़ा सा ऐसे जितना आपका स्पेस होना जितने बॉर्डर्स दोगे वो उतना ही अच्छा लगेगा जैसे लास्ट टाइम भी हमने सरस्वती माँ की पेंटिंग बनाई थी तो कितने सारे बॉर्डर्स डाले तो बहुत प्यारा लगता है वो जितने बॉर्डर्स आप डालोगे यहाँ चूंकि जगह कम है क्योंकि वो हाथ आ रहा है तो इसलिए मैंने सिर्फ दो बॉर्डर दिए हैं और उसके बाद एक छोटा सा पेंडेंट जैसा आप बना सकते हो सर्कल और चारों तरफ ऐसे फ्लोरल डिज़ाइन बहुत तरह के डिज़ाइन उसमें भी आते हैं तो मैं एक करके नए नए डिज़ाइन्स हमेशा हर पेंटिंग के साथ देखेंगे उसके बाद बालों में कलर आपको ब्लैक करना है तो वो मैंने थोड़ा सा ऐसे करके दिखाया और उसके बाद मैं बना रही हूँ हैंड्स तो चूंकि आप ये जूम आ, मतलब जूम इन नहीं किया हुआ है तो आपको अभी उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है पर आप घबराओ मत मैं अलग से उसको हैंड्स का आपको दिखाऊंगी कैसे करना है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था क्योंकि हैंड्स जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है अब इस पेंटिंग में तो छोटा सा है मैं थोड़ा और बड़ा करके और आपको जूम इन करके वापस से दिखाऊंगी हैंड्स को तो मैं हैंड्स में बाँसुरी पक, पकड़ा के ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर रही हूँ तो इस तरह से हमें फ्लूट बनाना है उनके हाथ में और ऐसे थोड़े से ऐसे ना खुले हाथ हैं थोड़ा सा मोशन है हाथ में वो भी दिखाते तो अच्छा लगता है जैसे कि वो बाँसुरी बजा रहे हैं तो इस तरह से हाथ कंप्लीट करने के बाद हम कमर पे आएंगे और कमर से फिर नीचे पैर की तरफ तो ये इस तरह से हमारा पैर आएगा तो थोड़ा सा हल्का सा स्केच मैंने भी पेंसिल से कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कैनवस है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है आप कर सकते हैं वैसे आइडियल तरीका जो है वो बिना पेंसिल से किए हुए बट उसके लिए चाहिए आपको एकदम से एक्सपर्ट लेवल जो बहुत ही एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं वो लोग धड़ाधड़ फ्री हैंड क्या मस्त ड्राइंग करते हैं बिना कुछ पेंसिल के और वो देखने में कितना अच्छा लगता है काश वो लेवल भी हम जल्दी पहुंच पाए पर इस तरह से आप हल्की सी पेंसिल से स्केच कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर बिगिनर हैं Uh, तो ऑब्वियसली uh, आप एक बार में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं अंदाजे से तो इसीलिए थोड़ा सा पेंसिल से स्केच कर लें बट अब एक एक चीज पेंसिल से मत स्केच कर लेना थोड़ा कुछ फ्र, प्रैक्टिस फ्री हैंड भी करना सिर्फ एक अंदाजे से बना लिया कि अच्छा इधर से बॉडी आएगा बट बाकी डबल लाइन वगैरह हम फ्री हैंड करेंगे ताकि हमारे हाथ में प्रैक्टिस आ सके तो इस तरह से कमर पे भी डिज़ाइन नेक में डिज़ाइन कमर में डिजाइन सो so पूरे डिजाइन से ही भरना है जैसे जैसे जितने डिजाइन बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा तो इस तरह से पेट के पास मैंने ऐसे कर्व सा डिज़ाइन भी बनाया अब थोड़ा सा नीचे काम कर रहे हैं कमर के पास और एक बॉर्डर वाला डिज़ाइन ऐसे ट्रायंगल तो ये कॉमन बॉर्डर जो डिज़ाइन है ना वो आप डाल सकते हो ये सारी चीज़ों में जैसे ट्रायंगल वाला होता है सर्कल्स होते हैं बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जो काफ़ी कॉमन बॉर्डर डिज़ाइन है जो हमने बिगनर लेवल में कई बार सीखा है तो उस तरह के डिज़ाइंस ही बेसिकली हमें डालने हैं बॉर्डर में जहाँ जहाँ हम बॉर्डर बना रहे हैं जैसे कि नेक में बनाया कमर में बनाया ये जो धोती का पार्ट है जो बीच का पार्ट है इसमें भी हमें बॉर्डर देना बहुत ज़रूरी है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ये सब जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस तरह से वो आपका ना पेंटिंग स्टैंड आउट होगा उस तरह से आपका पेंटिंग उतना ही मिथिला पेंटिंग जैसा लगेगा नीचे में थोड़ा सा झालर ऐसे प्यारा सा ऐसे लाइन लाइन करके नीचे कर्व से ज्वाइन कर देना है तो देखो कितनी खूबसूरती बढ़ती है जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा लगेगा उसके बाद नीचे फिर हम धोती मिलाएंगे पैर से मतलब जो एंड पार्ट है और उसके बाद हम पैरों का डिज़ाइन मतलब पैर बनाएंगे धोती से निकाल के पैर इस तरह से तो एकदम से आपको नाखून छोटे छोटे अगर करने हैं तो वो भी क्रॉस कर सकते हैं और कुछ ऐसे एंकलेट जैसा भी पहनाना है क्योंकि भगवान है तो इसीलिए हमें डेकोरेट करना है ज्वेलरी से पूरी तरह से भरना है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और डबल लाइन डबल लाइन हमेशा याद रखना शिवा और शक्ति का प्रतीक है अब जैसा मैंने आपको बोला था हाथ में अलग से आपको दिखाऊंगी तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो है ना ऐसे हाथ का एक थोड़ा सा आप चाहे तो रेफरेंस भी ले सकते हो मैं क्या करती हूँ कोई भी अगर भगवान की फोटो हो ना तो आप देख सकते हो कि हाथ कैसे रखा है ना बांसुरी कैसे पकड़ रखा है तो ये सब आप देखने से थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा बाकी आपको आम, वैसे सिंपल ही बनाना है अंगूठा और फिर आ, कुछ उंगलियाँ मुड़ी हुई जैसे मुड़ी हुई में सिंपल कर्व कर देते हैं और एक, एक उंगली को ऊपर ऐसे उठा के जो छोटी वाली उंगली है ऊपर उठा के निकाल दिया ताकि ऐसे लगे कि एक उंगली हम उठा के रखिए बाँसुरी बजाने के ठीक है तो वो इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर हम दूसरा पैर तो दूसरा पैर जो मैंने दिखाया ना वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाया है कि उन्होंने एक पैर सामने से टिका के रखा है और पीछे से एक मोड़ के जो एक पोजीशन है जो कृष्णा का एक पॉस्चर है जो बहुत कॉमन है तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप ये सारा इंस्पिरेशन जो है कई सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं पोस्टर्स भगवान के आप उससे ले सकते हो गॉड के पोस्टर्स जो हैं आप एक बार चेक कर सकते हो और उससे इंस्पिरेशन आपको मिल सकता है कि मैं किस तरह से इसको ड्रॉ कर ड्रा करूँ बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको मिथिला स्टाइल में कैसे ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमने क्या सीखा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर डबल लाइन वाला उसके बाद हम ऊपर मोर पंख बना रहे हैं मोर पंख के लिए सिंपल सा एक डिज़ाइन दिया है मैंने और चारों तरफ अभी मैं क्या कर रही हूँ ऐसे लाइन 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 उठा रही हूँ और उसी लाइंस को फिर हम कर्व से जॉइन कर देते हैं ये बहुत कॉमन चीज़ है मिथिला पेंटिंग में डिज़ाइन बनाने का चारों तरफ से मैंने ऐसे कर्व से डिज़ाइन कर दिया तो ये बहुत ही प्यारा फ्लोरल पैटर्न जैसा बन जाता है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है तो ये एक अलग फीचर है या फिर आप कह सकते हैं डिजाइन बनाने का तरीका है अब हम भरेंगे डिजाइन मुकुट के अंदर मुकुट के अंदर बॉर्डर डिज़ाइंस दो या तीन बॉर्डर दे दो और ऊपर का जो जगह है उसमें फ्लोरल पैटर्न से भर दो इस तरह से कर सकते हो या अलग भी मुकुट डिजाइन है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें डॉट डॉट दे दो या कोई पैटर्न बना दो तो ये भी एक uh, अलग तरीका है मुकुट के डिज़ाइन को भरने का अलग अलग डिज़ाइन है मे भी हम एक वीडियो कंप्लीटली अलग से कर सकते हैं अलग अलग ज्वेलरी कैसे बनाए जाते हैं मिथिला पेंटिंग में वो भी हम एक अलग से वीडियो कर सकते हैं जिसमें हम सीख सकते हैं कि गले का डिज़ाइन या फिर झुमके का डिज़ाइन या फिर मुकुट है या कुछ इस तरह से अलग अलग डिजाइनस क्या होते हैं मिथिला पेंटिंग में इसकी भी हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं आप अपने सजेशंस uh, मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी पेंटिंग बनानी है तो मैं शायद वो ट्राई करूंगी और फिर ट्यूटोरियल डाल दूँगी तो आप आसानी से आपको आसानी हो जाएगी बनाने में तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये चादर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी भगवान की आप पेंटिंग बनाएंगे या किसी भी मेल uh, फिगर की बनाएंगे तो आपको चादर बनाना है ना अब ये चादर जो है दोनों तरफ से ऐसे लटके रहते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि um, अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें भगवान में और अगर कॉमन uh, इंसान बनाया है या अगर आपने किसी राजा की तस्वीर बनाई है या पेंटिंग बनाई है मिथिला में तो आप उसमें क्या करेंगे ना उतने डिज़ाइंस भरेंगे उसको रिच बनाएंगे और यही अगर मान लो आप मैं डोली कहाार का सीन रही और उसमें जो म, मतलब जो कैरी करते हैं डोली को वो एक कॉमन मैन है या को वो उतना ज़्यादा रिच नहीं है तो उसको हम वैसे दिखा सकते हैं छोटे पैटर्न सिंपल पैटर्नस तो सिंप्लिसिटी से दिखा सकते हैं उसको और जैसे भगवान है कृष्ण जी जो है वो काफ़ी मतलब उनको आप देखोगे हमेशा ज्वेलरी में रहते हैं या काफ़ी उनका रिच रहता है तो उसमें जो है उसी तरह से आपको भरना है उतनी बारीकी उतने डिज़ाइंस डालोगे तो इसी तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो आप अगर उसको अच्छे से स्टडी करोगे ये सारी पेंटिंग्स जो पुराने जमा जमाने की पेंटिंग ढाई हजार साल पहले की पेंटिंग है ये सब तो कितनी मतलब बारीकी है इसमें इतने छोटे छोटे चीज़ों का भी कितना ध्यान दिया है लोगों ने तो उसको इसी तरह से हम कल्चर को सीखें थोड़ा जाने तो इस तरह से हम उसकी बारीकी को सीख सकते हैं और जैसे कल को अगर आपको कोई पेंटिंग खुद से बनाना है तो आप मिथिला स्टाइल में बना सकते हैं तो अभी पीछे जो है मैं वो एक जो भगवान का और नहीं होता है जो प्रकाश निकलता रहता है भगवान के पीछे से वो बना रही हूँ कृष्ण जी में क्या है हम ये आधा सा भी बना सकते हैं इस तरह का भी डिज़ाइन बनता है मिथिला में ज़्यादातर आप प्रकाश देखोगे पूरी तरह से बनता है गोल चारों तरफ लेकिन हम कृष्ण जी की, की खासियत है कि इस तरह से भी बना सकते हैं हम अब चादर में जैसा मैंने कहा जितने डि डिज़ाइंस डालोगे क्योंकि यहाँ पे प्लेस थोड़ा सा कम है तो हम एक बॉर्डर डालेंगे पर हम दो तीन चार बॉर्डर भी डाल सकते हैं मान लो आप कृष्ण जी की पेंटिंग बड़े साइज़ की एकदम से चार्ट पेपर या फिर बड़े कैनवस पे बना रहे हो तो आप चार पांच बॉर्डर भी डाल सकते हो जितना डालोगे उतनी सुंदरता आएगी तो इस तरह से मैंने एक छोटे छोटे बारीक बॉर्डर डाले और यहाँ पे बॉर्डर तो ये सारी चीजें आपको वो ध्यान रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर से काफी सजाया जाता है तो सबसे पहले हमने कहाँ देखा था uh, कमर पे देखा था गर्दन के पास जो देखा था ज्वेलरी जैसा अब चादर में देख रहे हैं चादर में दो जगह तो एक साइड में जो है आउटलाइन की बॉर्डर और एक बीच में बीचो बीच इस तरह से जैसे आप साड़ी का आंचल उठा लो या फिर कुछ इस तरह के जो कपड़े होते हैं जो एकदम से फेस्टिव कपड़ कपड़े होते हैं या दुपट्टा होता है तो इसी तरह रहता है ना बिल्कुल बॉर्डर तो वही चीज़ है और कुछ नहीं उसको हमें सिर्फ ड्राइंग के वे में तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो पेंटिंग्स ऑब्जर्व कर सकते हो अलग अलग पिक्चर्स जैसे मैंने बताया वो ऑब्जर्व कर सकते हो तो उससे भी आपको इंस्पिरेशन आ सकता है डिज़ाइन की आइडियाज आ सकते हैं है। तो यहाँ पर हम कमर में भी वापस धोती में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह का पैटर्न ज़रूर बनता है मिथिला में और यहाँ भी हम बॉर्डर एक और बॉर्डर दे, दे देंगे छोटा सा इस तरह से सेमी सर्कल वाला और सेमी सर्कल वाले को भर देंगे इसको काले से ब्लैक से ताकि और हाईलाइट हो जाए और वापस मैंने बोला था इस वाले हिस्से में भी बॉर्डर आएगा तो यहाँ भी दो बॉर्डर का स्कोप है तो हम दो बॉर्डर बनाएंगे ऐसे तो छोटे छोटे सर्कल्स वाले बॉर्डर आप डाल दोगे तो वो एकदम से डार्क सा दिखता है ना तो वो बहुत अच्छा होता है हाईलाइट हो जाता है आपकी पेंटिंग तो वो भी इम्पॉर्टेंट है और जो मुझे लगता है कि मिथिला पेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्केच इसीलिए मैं स्केच पे ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ शुरू से ही और बहुत लोगों ने पूछा है कि हम पेंसिल से बना के पहले कलर कर लें फिर स्केच करें आउटलाइन करें तो आप करना चाहो तो कर सकते हो बट वो सही तरीका नहीं है करने का हमेशा से पहले स्केच किया जाता है क्योंकि Uh, आर्ट जो है कभी कोई पेंसिल uh, से स्केच नहीं करते जो एक्सपर्ट आर्टिस्ट होते हैं जो एकदम से इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं वो डायरेक्टली पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो वो फिजिबल ही नहीं है ना कि पहले कलर कर दें और फिर आउटलाइन uh, करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले आउटलाइन करेंगे तब तो कुछ बनेगा तो कलर भरेंगे ना तो इसीलिए आपको अगर वैसे करना है तो वो ठीक है बट वो फिर सही तरीका नहीं होगा अगर आप करेक्ट वे में सीखना चाहते हो उसको ऑथेंटिक वे में सीखना चाहते हो तो सबसे पहले स्केच करना है स्केच करने के बाद चैलेंजिंग ज़रूर हो जाता है कलर भरना बट अगर कोई काम चैलेंजिंग नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा ना उस चीज़ को करने का थोड़ा चैलेंज आएगा तभी तो मज़ा आएगा वो काम करने में तो इस तरह से हम फिर आ, सन का जो पीछे का एक और थोड़ा बॉर्डर मैंने बढ़ा दिया तो दो बॉर्डर तो दिया ही था एक और बढ़ा दिया और उसके लिए मैंने ऐसे आ, ऐसे पेटल्स जैसा जैसे फूल की पत्तियाँ नहीं होती वैसे का शेप दे दिया तो ऐसे लग रहा है वो सही में प्रकाश निकल रहा हो ऐसे सूर्य जैसा डिज़ाइन बन गया और यहाँ भी पेट पे भी सेम टू तो सेम वैसे ही उठाया मैंने लाइंस 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 और उसको कर्व से जॉइन करके ऐसे प्यारा सा डिज़ाइन बन गया और जो जैसे चादर जो है और जो नीचे का जो पार्ट था उसमें भी मैंने छोटे छोटे डिजाइंस भरे वो सब भी इम्पॉर्टेंट है उस तरह के डिज़ाइंस भर के आप कलर जब भरते हो तो वो उभरता है और यहाँ पे बाजू में भी आपको डिज़ाइन बनाना है बाजू बंद बन जैसा बनाना है और हाथ में डिज़ाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भगवान की पेंटिंग बनाओ या कुछ भी तो हाथ में थोड़े से डिज़ाइन आपको ही है डिपेंडिंग कि आप किस भगवान की बना रहे हो या अगर देवी की बना रहे हो तो बहुत सारी चूड़ियां डाल सकते हैं डिजाइन्स डाल सकते हैं तो इस तरफ से आपको ध्यान देना है और इसके बाद थोड़े से फाइन लाइंस फाइन लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसके बॉर्डर्स में फाइन लाइंस ज़रूर भरिएगा फाइन लाइन वाला एलिमेंट आपको लाना ही लाना है बिना फाइन लाइंस के मिथिला पेंटिंग नहीं है उसी फाइन लाइंस को हम कचनी कहते हैं तो मिथिला पेंटिंग जो आजकल अधिकतर बनता है वो भरनी और कचनी से बनता है जो भरनी होता है वो उसमें कलर्स भरते हैं और जो कचनी होता है उसमें पैटर्न्स भरते हैं तो ये बहुत ये बेसिकली इन दिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइन लाइन्स वाला पैटर्न जिसे हम कचनी कहते हैं और भरनी जो हम कलर बाद में भरेंगे तो इसीलिए वो बीच बीच में जो बॉर्डर्स आप बनाओ ना तो उसमें फाइन लाइन वाला एलिमेंट ज़रूर 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 डालना है उसके बाद हम छोटे छोटे फ्लावर्स से भर देंगे तो मैंने पहले भी मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जैसे समझाया था कि चादर में या कहीं भी आप ऐसे फ्लोरल पैटर्न बनाते हो जैसे हमने बीच का जो धोती का बीच का जो ऐसे लटका हुआ है उसमें हमने छोटे छोटे ट्राइंगल वाले तीन सर्कल को ट्राइंगल में ज्वाइन कर दिया ये सारे पैटर्न हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बीच में कलर आएगा वो सारे पैटर्न को वाइट छोड़ना है कुछ नहीं तो वो व्हाइट जो पैटर्न रहेगा ना तो आपका उभर के दिखेगा तो ऐसे भी देखो कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन जैसे जैसे आप भरते जा रहे हो जैसे जैसे और ज्यादा भर रहे हो ऐसे लग रहा है कि ओहो क्या मजा आ रहा है देखकर डिज़ाइन एकदम से अभी बीच वाला जो ऊपर का जो आ, कुर्ता जैसा है या जो भी आप कह सकते हो ऊपर वाला जो पहनाया है हमने कपड़ा उसमें हम छोटे छोटे सर्कल्स डाल रहे हैं तो ये तीनों पैटर्न मैंने अलग अलग रखे हैं ये भी ध्यान देना है सब में एक पैटर्न भर दोगे तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा एक दूसरे से अलग रखना है तो ये हो गया अभी हम आएंगे जो है आई के तरफ मैंने बताया था ना बोल्ड बिग आय बिल्कुल पत्ते के शेप में या मछली के शेप में आप कह सकते हो आय और जब आप आम, साइड फेस बनाते हो तो एक चीज़ आपको आंखों में ध्यान देना है कि आई का जो वो जो पुतली होती है जो बीच की जो ब्लैक पार्ट होता है वो साइड में आपको लेना है और अगर आप जब ये सामने वाली फेस बना रहे हो तो बीचों बीच लेना है ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा ये मिथिला पेंटिंग का बहुत ही क्या बोले बारीकी वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद धोती में मैंने लाइन वाली डिज़ाइन ली है दोनों साइड करनी है बट चूंकि ये पैर मुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो लाइन भी है वो भी मुड़ जाएगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ से तो बस ये रहा पूरी बारीकी से डिज़ाइन है ये तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे ये भी ऑलमोस्ट डन है लास्ट बैकग्राउंड पे काम करना है तो बैकग्राउंड के लिए नीचे जो है मैं ऐसे सेमी सर्कल्स बना रही हूँ इससे बहुत अच्छा डिज़ाइन बनकर आएगा ये बहुत बहुत ज़्यादा पुराना ट्रेडिशनल डिज़ाइन है अब ये क्या है ऐसे लगेगा कि जैसे ना ज़मीन हो ये या पत्थर रखे हों या कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कि नीचे का पार्ट है जो कि ओपन में हो जैसे कि ये फ्लोर नहीं है बल्कि ये नेचर का कुछ ज़मीन है तो इस तरह से बनाना है और ऐसे दिखाना है पाव तक आपको लाना है ताकि आपको ऐसे देख कर लगे कि कृष्ण जी जमीन पर खड़े हैं या फिर अपने पाँव किसी चीज़ पर रखे हैं जैसे पत्थर हो सकता है या फिर बाहर की ज़मीन या जो भी आपको दिखाना है क्योंकि ये हम बाहर में दिखा रहे हैं नेचर में क्योंकि बैकग्राउंड में हम लीव से भरेंगे फूल से भरेंगे पेड़ से भरेंगे जो भी मैं बना रही हूँ Uh, तो इस तरह से शाखाएं बनाएंगे सबसे पहले पेड़ की और आज थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है सिमिलर टू uh, सरस्वती माँ जो हम लीव्स बनाएंगे वो काफ़ी सिमिलर है बट बाकी जो उसमें हमने बनाए थे फल बनाए थे और यहाँ पे हम बना रहे हैं फूल तो ये आपको कुछ नया डिज़ाइन तो आज काफ़ी कुछ नया भी सीखा है और कोर्स ये सेम आर्ट फॉर्म है तो चीज़ें सिमिलर भी रहेंगी बहुत कुछ सेम रहेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नए नए कुछ बाकी के डिजाइन कुछ नए कर सकते हैं तो इसीलिए हम यहाँ भी वापस से जो है पूरी तरह से भरना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस दिखे आपको ऐसे शाखाएं निकालनी है और इस बार मैंने आ, उसके बीच में दो शाखाएं के, शाखाओं के बीच में ऐसे फ्लोरल पैटर्न बनाया है आप चाहें तो एंड पे भी फ्लावर्स बना सकते हैं और जब भी आप ऐसे पेड़ बनाओ ना तो बीच बीच में लाइन डाल दिया करो चार पाँच तो उससे अच्छा दिखता है जब हम कलर भर देते हैं क्योंकि जनरली जो है जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उसमें हम ब्लैक कलर या ब्राउन कलर इस तरह से भरते हैं ना तो जब डार्क कलर भरते हैं और बीच में वो जो लाइन हमने छोड़ी है तो वो भर कर आता है अब जैसे देखो यहाँ पे मैं कलर भर रही हूँ ब्लैक तो कितना बढ़िया लग रहा है वो लाइन्स जो बीच में डाल दी थी तो इस तरह से जब हम पूरी तरह से स्केच कंप्लीट कर लेंगे तो बिल्कुल जो है आपके कृष्ण जी ऐसे दिखने वाले हैं तो एकदम बढ़िया लग रहा है ये स्केच कंप्लीट हो चुका है अब आती है बारी कलर भरने की हम शुरुआत करेंगे बॉर्डर से थोड़ा मैंने जूम इन किया है ताकि आप अच्छे से देख सकें फाइन लाइन से भरना है पूरी तरह से लीफ मैंने ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है आप कोई भी फाइन लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह से फाइन लाइन्स भर के और यहाँ पे बीच में भी जो सर्कल है उसमें भी ग्रीन कलर भरना है फाइन लाइन्स भर के साइड में उसको बोल्ड कर देना है ताकि देखो जैसे ही बोल्ड करोगे आपका हाईलाइट हो जाएगा डिजाइन और इसमें फूल में जो है पेटल्स में हम ऑरेंज और रेड का इस्तेमाल करेंगे एक एक छोड़ के ऑरेंज फाइन लाइंस और उसके बाद जो ब, बचा हुआ फूल है उसमें रेड यही है डिजाइन हमारा रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज ऐसे करके फ्लोरल पैटर्न बनाना है कंप्लीट बॉर्डर के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे चादर पे सबसे पहले और मैंने लिया एकदम से डार्क रेड या मरून आप जैसा भी कलर uh, अपने हिसाब से ले सकते हैं अब देखो ये मैंने एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल किया है एक्रीलिक पेंट को हमेशा मैं बार बार बताती हूँ थोड़ा सा पानी मिलाकर डायल्यूट uh, करना पड़ता है अब डायल्यूट का मतलब ये नहीं कि खूब सारा पानी डाल दो वाटर कलर की तरह उसको थोड़ा पानी थोड़ा ड्रॉप्स में पानी डालो और धीरे धीरे मिलाओ हाथ कान और पैर मिथिला आर्ट में भगवान की जब भी आप तस्वीर बनाओ रेड कलर से होते हैं पिंक कलर से होते हैं इस तरह से जनरली रेड कलर होता है तो इसीलिए मैंने लाइट रेड का इस्तेमाल किया क्योंकि चूंकि मैंने मरून लिया था उसके लिए तो एकदम से थोड़ा अलग दिखे इसलिए मैंने लाइट रेड का इस्तेमाल किया है ऑरेंज पेन से मैं यहाँ पे फाइन लाइंस कर रही हूँ कचनी वर्क कर रही हूँ और बीच में फिर येलो कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा फास्ट फास्ट जाएंगे अभी हम Uh, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऑलरेडी मुझे लग रहा है ये आज तीस मिनट का वीडियो है आई थिंक मेरे चैनल में सबसे लंबा वीडियो है तो इस तरह से हम पर्पल uh, थोड़ा लाइट पर्पल कलर मैंने लिया है फेस के लिए चूँकि मेरे को ब्लू यहाँ पे चाहिए था धोती में तो मैं कलर्स थोड़ा पहले से प्लान कर लेती हूँ तो ये आपको ध्यान देना है कि एकदम से एक ही कलर से आप सब जगह नहीं भर सकते ना थोड़ा सा स्टैंड आउट होना चाहिए तो पर्पल के लिए मैंने क्या किया एकदम से एक डॉट मात्र पर्पल को व्हाइट में बहुत सारे वाइट में मिक्स करके लाइट पर्पल मिलाया है ये आपको ऐसे डार्क पर्पल जैसा दिख रहा होगा पर डार्क पर्पल बिल्कुल मत लेना वरना फेस में पूरा आइज़ वाइज छुप जाएगा फिर अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए लाइट लेना वो सिर्फ लाइटिंग की वजह से वो डार्क कलर दिख रहा है बट वो हालांकि है बहुत लाइट तो इस तरह से हम ऑरेंज भरेंगे ऊपर के इसमें तो कलर कॉम्बिनेशन हमेशा से प्लान करना है नीचे भी स्टोन्स जैसा जो या फिर आप कह सकते हो जमीन जो बनाई है उसमें ऑरेंज पर ऑल्टरनेट बीच का हमने छोड़ा है उसमें ब्राउन डालेंगे ऑरेंज फ्लावर्स तो ये हो गया और कहीं कहीं ऑरेंज ज्वेलरी में कहीं कहीं भरेंगे यहां पे फाइन लाइंस से हम करेंगे ग्रीन और ब्लू से बाकी ब्लू का इस्तेमाल यहाँ भी ऑरेंज फाइन लाइंस ऊपर भी तो इस तरह से पूरी तरह से डेकोरेट करना है भरते जाना है यहाँ जो रेज जैसा निकल रहा है वैसे भी हम ऑरेंज पेन से मैं कर रही हूँ और यहाँ ज्वेलरी में भी ऑरेंज से कर रही हूँ तो इस तरह छोटे छोटे जो बारीकियों वाले डिज़ाइन है ना उसमें भरते जाना है आपको कलर्स और यू नो डिज़ाइंस जो मुरली है उसको भी मैंने सिर्फ आउटलाइन किया है बीच में वाइट छोड़ दिया है वरना वो दिखेगा नहीं तो ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे आपको डिज़ाइन को हाईलाइट करना है तो आपको पूरी तरह से कलर नहीं भी भरे तो चलेगा सिर्फ आउटलाइन भी किया ना और बीच में वाइट छोड़ दिया तो वो डिज़ाइन बहुत हाईलाइट होता है तो ये सब चीज़ें भी मिथिला पेंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जैसे कि आउटलाइन कर देना बीच में वाइट छोड़ देना तो उसे खूबसूरत लगता है डिज़ाइन या फ्लोरल पैटर्न्स में भी मैंने कई बार इस्तेमाल किया है ज्वेलरी में एंड एवरीवेयर तो लास्ट कलर जो हम भर रहे हैं वो है ब्राउन क्योंकि कृष्ण जी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं पर अभी भी हमने आईज में ब्लैक कलर नहीं भरा है वो सबसे एंड में करना होता है क्योंकि आई जो होता है अगर आप आई दे देते हो तो भगवान जी आपको देख सकते बनाते हुए ऐसा मिथिला में माना जाता है तो इसीलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट लोग आइज़ को सबसे एंड में बनाते हैं ये भी बहुत आ, मतलब वहाँ की बातें बिल्कुल मिथिला रीजन की बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि आइज़ को हम क्यों अंत में बनाते हैं हमेशा मिथिला पेंटिंग में आइज़ में जो वो बॉल्स में कलर भरते हैं लोग कई बार आँखों का स्ट्रक्चर भी नहीं देते एंड में देते हैं ताकि भगवान या फिर कोई भी चीज जीव जंतु आपको देखे नहीं उनको क्रिएट करते हुए क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग हमारी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए लास्ट में मैं क्या कर रही हूं मैंने निब लिया है निब को एक्रिलिक वेड में डुबा कर लीफ वाला स्ट्रक्चर कर रही हूं सेम टू तो सेम जैसे हमने सरस्वती जी के लिए किया था तो लास्ट में आइज बनाने के बाद आपकी पेंटिंग बिल्कुल ऐसी दिखेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे लगा आपको वीडियो धन्यवाद आप सबका मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को और जरूर शेयर करें